हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है विप्रो की तरफ से आने वाला RGB ट्यूबलाइट, जो स्मार्ट ट्यूबलाइट है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, फुल रिव्यू करने वाले हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग कुछ देखने को मिल जाती है और चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले ही मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इस तरह से हमको ट्यूबलाइट मिल जाती है। ट्यूबलाइट को ओपन करने के लिए जस्ट इसको, इसमें टेप लगा हुआ है, कोई सील नहीं लगा हुआ है। ब्रांड की जो तरफ से जो सील आता है, कोई सील नहीं लगा हुआ है, सिर्फ टेपिंग से इसको पैक किया गया है। उसके बाद इसमें रखा हुआ मिलता है वॉल माउंट। अगर इसको आप वॉल पे माउंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से इसमें अटैचमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद हमको मिलती है ट्यूबलाइट। तो इस तरह से ट्यूबलाइट मिल जाती है। उसके बाद हमें इसकी बुकलेट भी देखने को मिल जाती है। इसमें यूज़र मैनुअल है, कैसे इसको यूज़ करना है ये भी इसमें लिखा होगा। चलिए ये सब साइड रखते हैं और आपको यूज़ करके दिखाते हैं। इसी तरह यहाँ पे विप्रो की ब्रांडिंग है और यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। और बाकी जैसे सारी ट्यूबलाइट होती है दो वायर्स जैसे निकले होते हैं, सेम उसी तरह इसके भी निकले हुए हैं। तो सिंपल हम इसको अटैच कर सकते हैं। चलिए आपको अटैच करके दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे रूम में सारी लाइटें बंद है, एक स्मार्ट बल्ब चल रहा है जिसकी ब्राइटनेस बिल्कुल लो पे है। और देख सकते हैं आपको इस लाइट को पेयर करने के लिए आपको देखिए इस ऐप की ज़रूरत होगी। तो इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे अकाउंट पूछेगा। अगर आपका पहले से विप्रो में अकाउंट है तो आपको लॉगिन कर लेना है, अगर नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ऐड डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है और देखिए ये कुछ बता रहा है कि लोकेशन वगैरह आप ऑन कर दीजिए। चलिए ऑन कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको स्मार्ट बल्ब वाला ऑप्शन चुनना है जिसमें ब्लूटूथ प्लस वाईफाई है, यही आपको चूज़ करना है। तो चूज़ करने के लिए चलिए इसको चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जिस भी वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्टेड है और जिस वाईफाई से आप अपने बल्ब को पेयर करना चाहते हैं उस वाईफाई का यहाँ पे नाम और पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए पासवर्ड डाल लेते हैं, नाम पहले से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखिए बता रहा है कि आपकी लाइट ऑड नंबर में जो है उसको ऑन ऑफ करना है जिससे वो ब्लिंक करे। तो या तो 3 बार कर सकते हैं या 5 बार या 7 बार। तो जब तक ये ब्लिंक नहीं कर सकती तब तक ये पेयरिंग मोड में नहीं आता। चलिए इसको ऑन ऑफ करते हैं। देखिए आ गया ये पेयरिंग मोड में, ब्लिंक करने लगा। तब इसको हम ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ दिखा दिया मेरा बल्ब, तो इस पर क्लिक करते हैं, ऐड आ जाएगा। देखिए ये ऐड होने लगा है। तो देखिए ये अब पेयर हो चुका है, दिखा रहा है एडेड सक्सेसफुली। अब इसको डन कर देते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी देखिए ऑफ हो गया बल्ब, तो हम देख सकते हैं ऑफ हो गया हमारी ट्यूबलाइट और इसको ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं स्टेटस वगैरह, ऑन है, कितने ब्राइटनेस पे है और कंट्रास्ट वगैरह क्या है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाता है इसका जो इंटरफेस है। ये वाइट लाइट कूल पे है, इसको अगर ले जाते हैं बीच में तो ये जैसे सूरज की रोशनी होती है उस रोशनी में आ जाता है। ये डे लाइट पे है और यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी देख सकते हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वार्म पे चला जाता है यहाँ से, तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है ये। चलिए इसको कूल पे रखते हैं। कलर ऑप्शन है RGB वाला, उस पर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे कितने आसानी से देखिए स्विच हो जाता है। तो उसके बाद जैसे कोई भी कलर आप देखिए चूज़ करना चाहें, जो भी कलर आप चूज़ करते हैं बहुत ही स्मूथली ये उस कलर का हो जाता है। और यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रास्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रास्ट से जो इसका कलर है वो वाइट में चेंज होता जाएगा। देखिए कितना कलर आपको चाहिए ये आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है टाइमर वगैरह सेट करने का, तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं। मोर का ऑप्शन मिलता है आपको और यहाँ से आप प्लान कर पाएंगे, शेड्यूल कर पाएंगे। और बायोरिज्म से यानी रात में कैसा चले दिन में कैसा चले ये सब ऑटोमेटिक पे हो जाता है। और पावर ऑन बिहेवियर कैसा हो इसका, तो आप इसको भी चेंज कर पाएंगे, यानी जब आप इस बल्ब को ऑन करें तब ये किस तरह से जले, तो इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीन पे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको सीन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट है, रीड है, वर्किंग है, रीड पे ये कुछ इस तरह से हो जाता है और वर्किंग पे कुछ इस तरह से हो जाता है, देख सकते हैं। इन सभी को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप रीड पे इस तरह से कर रहा है, तो अगर आपको ये कलर नहीं पसंद है रीडिंग के लिए तो आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे वो ट्यूबलाइट कनेक्टेड है और लगी हुई है।
तो ऐसा कुछ लुक आने वाला था आप लोगों के लिए। मैंने ये ट्यूबलाइट बाय किया था जिससे मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, मेरी वीडियोस की क्वालिटी और थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो जैसे देखिए किसी भी कलर में जैसे मैं चाहता हूँ उस तरह से देखिए मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और इसीलिए मैंने इसको बाय किया था कि जिस भी कलर में चाहूँ उस कलर में मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और एक चीज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ये ट्यूबलाइट है विप्रो वाली इसको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई में ही यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई वाईफाई की नीड नहीं है, सिर्फ पहली बार पेयर करते समय ही वाईफाई की नीड है, उसके बाद आपको कोई वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। या जो भी अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ करके इसको कनेक्ट किए होंगे तो बिल्कुल भी आपको हॉटस्पॉट की या वाईफाई की कनेक्शन की नीड नहीं है। देख सकते हैं मेरे फ़ोन में अभी जो है वाईफाई ऑन है, तो मैं वाईफाई भी बंद कर रहा हूँ अपने फ़ोन का और देख सकते हैं वाईफाई मेरे फ़ोन का बंद हो चुका है। तो देख सकते हैं मैंने इसका हॉटस्पॉट भी ऑफ़ कर दिया। अब देखिए कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरह से देखिए मैंने वाईफाई बंद कर दिया और अभी भी मैं इसको यूज़ करके दिखा सकता हूँ कि हाँ देखिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ मोड पे भी काम करता है। अगर आप हॉटस्पॉट या वाईफाई का कनेक्शन इसको नहीं देते हैं तो आप अपने फ़ोन में जस्ट ब्लूटूथ ऑन करिएगा, जिस भी फ़ोन में आपका ऐप इंस्टॉल्ड है जिसमें भी आपने अपने बल्ब को पेयर करके रखा है, तो उसमें आप ब्लूटूथ ऑन करिएगा, डाटा ऑन करिएगा और लोकेशन ऑन करिएगा। उसके बाद देखिए आप देखिए चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाएंगे सिर्फ ब्लूटूथ में ही, कोई भी नेटवर्क का आपको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम कनेक्शन की नीड होती है। आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और जिस भी कलर में चाहें देखिए जैसे जो भी कुछ यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। हाँ सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, अगर आप इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं जिसको आपने जैसे सीन में अगर आपने कुछ चेंज किया है, मान लेते हैं इसका मैंने स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करना है, तो अगर आप इसकी स्पीड वगैरह को कम ज़्यादा करते हैं या कोई और चेंज करते हैं या नया कलर ऐड करते हैं या इसका नेम चेंज करते हैं, इसका लोगो चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ अगर आप चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको वाईफाई की नीड होगी। नहीं तो अगर आप सिर्फ इसको इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या इसको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी आपको वाईफाई की नीड नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी से ये चल रहा है और सिर्फ ब्लूटूथ पे चल रहा है, देख सकते हैं ये। तो बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक CCT वेरियंट भी आता है जिसमें आपको वाइट लाइट और कूल वाइट और वार्म लाइट ही मिलती है, यानी तीन कलर आपको सिर्फ उसमें मिलता है। तो वो भी वेरियंट आता है, वो भी स्मार्ट लाइट ही होती है, उसको भी आप अपने ऐप से बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें RGB वेरिएंट लेने को तो आप ये वाला ले सकते हैं, और अगर आप चाहें CCT वेरिएंट लेने को तो वो वाला ले सकते हैं जो CCT वेरिएंट आता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ध्यान रखना है कभी कभी क्या होता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो CCT वाला वेरियंट ही सिर्फ शो करता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको बाय करने गए हैं कभी कभी होगा अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होगा तो आपको देख लेना है कि RGB वेरिएंट आप बाय कर रहे हैं या CCT वेरिएंट आप बाय कर रहे हैं। इसका जो प्राइस है वो कभी कभी 900 रुपये में भी बिकता है और कभी कभी 1200, 1300 और 1500 रुपये में भी देखने को मिलता है, तो इसको आपको देख लेना है। ऑफ़र वगैरह चलते हैं तो ये आपको 900 रुपये या 1200 रुपये में भी देखने को मिल सकता है, और जो CCT वेरिएंट है वो आपको 800 से 900 रुपये के प्राइस में देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करने में मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई या मुझे क्या अच्छा लगा। तो अच्छा यही लगा कि आप किसी भी कलर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ मोड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई का कोई नीड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब बात करते हैं कि मुझे इसमें ख़राब क्या लगा, यानी क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करने को हुई। तो सबसे पहले तो इसको कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो कभी कभी तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और कभी कभी दिक्कत करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम पेयरिंग में ये प्रॉब्लम कर सकता है, उसके बाद ये बहुत स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो दूसरी कमी मुझे इसमें देखने को मिली वो ये है कि ये मतलब इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है जितनी ब्राइट इसको होनी चाहिए थी। जैसे अगर वाइट कलर आप यूज़ करते हैं या वार्म वाइट यूज़ करते हैं तो उसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है ये। लेकिन अगर आप किसी कलर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ग्लो कर रहा है, तो किसी कलर में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं जितना ब्राइट इसको होना चाहिए था। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।